IAS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, IAS मंत्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं UP-PCS 2018 के लिए स्पेशल प्रोग्राम, जो कि आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पर। आप लोग यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे आज हम लोग पॉलिटी से। इसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट के लिए एक डे डिसाइड किए गए हैं, जैसे पॉलिटी के लिए 6 डेज डिसाइड किए गए हैं, 6 दिन में हम लोग पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें इससे संबंधित क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग कोशिश करना है कि जो आपकी लक्ष्मीकांत दी है, लक्ष्मीकांत में जो भी सिक्वेंस में टॉपिक दिए हैं, उस सिक्वेंस में पूरी की पूरी पॉलिटी को हम 18 घंटे में कंप्लीट यहां पे करने वाले हैं। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, क्योंकि आप समझ रहे हो एक डेढ़ महीने ही पूरा डेढ़ महीने ही बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए बहुत तेज़ी से आपको सारे टॉपिक को करना है। इसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। तो आज हम लोग बिना टाइम गवाए जो है जल्दी से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं। आखिर भारत का संविधान कैसे बना, इसको जो है क्या क्या, इस कहाँ से संविधान की पहली बात आई, किसने सबसे पहले बोला कि भारत का संविधान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आखिर क्यों संविधान की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ याद रखना है, यह क्रोनोलॉजी आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पर, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है 1922 से लेके जो है आपका 15 अगस्त 1947 तक की जो है क्रोनोलॉजी है, पूरी की पूरी समसामयिकी है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस टाइम पे किस व्यक्ति ने क्या कहा। यह एक नंबर आपको पीसीएस में दे सकता है, क्योंकि इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले गांधी जी ने 1922 में क्या कहा कि भारत के लोगों का भाग्य भारत के लोग ही निर्धारित करेंगे, अर्थात इनका कहने का तात्पर्य यह था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। तो यह सबसे पहले 1922 में गांधी जी ने कहा। उसके बाद 1927 में कांग्रेस का बॉम्बे सेशन होता है, और कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में इस बात को जो है आपके मोतीलाल नेहरू जी इस बात को रखते हैं कि भारत का संविधान जो है बनाया जाना चाहिए, भारत के लिए क्या होना चाहिए, भारत का खुद का एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद मैं 1928 मतलब 1928 में क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन आया, इसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट की बात की गई कि आखिर संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद मई के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 4 महीने का लगभग समय मिल रहा है, तो अगस्त में ये कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में हम लोग तैयार कर लेते हैं, 4 महीने में एक रिपोर्ट बनाते हैं मोतीलाल नेहरू जी और जो है उनके सहयोगी। तो ये जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट को याद रखना है मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू 4 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, क्योंकि अंग्रेजों को हम ये बता देते हैं कि हम भी संविधान बना सकते हैं, उसी के रूप में क्या था ये नेहरू रिपोर्ट था। उसके बाद 1934 के टाइम पे अब देखिए नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल राइट की बात की जाती है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है, वो सब चीज़ें अभी आपको इसमें नहीं ध्यान देना है। इसमें मेन चीज़ ध्यान देना है कि नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद जो है एम एन रॉय जो है वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, जो है साम्यवादी एक जो है नेता थे, उन्होंने 1934 में क्या कहा, सबसे पहले ये बात कही कि भारत जो है क्या होना चाहिए, भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, जो कि संविधान बनाने की जो है एक असेंबली होना चाहिए जो कि अपने भारत के लिए एक संविधान बनाए। तो सबसे पहले कब बात की गई, एम एन रॉय ने बात की कब, 1934 में। उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भारत में क्या होगा, भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि भारत का संविधान बनाएगी। वो कब किया गया, 1935 में, ये डेट याद रखना है 1935 में। ठीक है, उसके बाद 1940 में क्या होता है, एक अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर में क्या बोलते हैं, अगस्त ऑफर में अंग्रेज बोलते हैं कि ऐसा है आप लोग हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दीजिए तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए संविधान बनाने की परमिशन दे देंगे, आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं। तो जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगस्त ऑफर के नाम से हम जानते हैं। तो ये कब आया, 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन में कहा गया
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मतलब पूरे के पूरे भारत का एक क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। तो इसमें आप इस टाइम पे आप देख रहे होंगे दो बड़ी पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग और एक जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? खासतौर पर इसमें मुस्लिम लीग इसका वाइकआउट कर देती है, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मान जाती है, बट जो है आपके जिन्ना साहब हैं वो नहीं मानते हैं। जिन्ना साहब क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जिन्ना साहब को चाहिए था कि वो अलग से एक राष्ट्र बनाए, अलग से एक देश बनाए। वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो अलग राष्ट्र की अवधारणा सोच रहे थे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्रिप्स मिशन को एग्रीमेंट, क्रिप्स मिशन पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उसी के चलते एक एग्रीमेंट, एक कॉन्फ्रेंस हुई शिमला में। शिमला में कब हुई? 1945 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। शिमला कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? लॉर्ड आर्किवाल्ड। लॉर्ड आर्किवाल्ड कर रहे होते हैं। वो ये इसी बात पे चर्चा कर रहे होते हैं किस प्रकार से दोनों देशों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, किस जो है फाइनल डिसीजन पे आए जिससे कि दोनों देश अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए और जो है साथ में रहे। अभी तक यहाँ पे अंग्रेज इस बात को नहीं मान रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग होने वाले हैं, बट ये लोग जो शिमला कॉन्फ्रेंस में कभी नतीजा कुछ नहीं निकलता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। और फाइनली क्या आता है, 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आपको पता है कि 3 मेंबर इसमें थे, इस कमेटी में, कैबिनेट कमेटी में, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। इनका नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे फाइनली ये होता है कि ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की यहाँ बात आ जाती है। उसके बाद 4 जुलाई को क्या होता है, एक बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है। बिल किस लिए इंट्रोड्यूस होता है? ये वो पार्टीशन का बिल है कि इंडिया और पाकिस्तान अलग होने वाले यहाँ पे होते हैं। तो कब होता है? 4 जुलाई को। और ये बिल पास कब हो जाता है? 18 जुलाई को पार्लियामेंट में। कहाँ की पार्लियामेंट में? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हो जाता है। और 26 जुलाई 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए परमिशन मिल जाती है कि पाकिस्तान अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकता है। उसके बाद आप 15 अगस्त को क्या होता है, भारत आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो 1946 में है, यहाँ पे 1946 में क्या करते हैं हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं 1946 को हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या करते हैं, बाद में बनाते हैं 26 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो अब चूंकि ये पार्टीशन का वेट हो रहा था यहाँ पे 15 अगस्त तक, तो अब ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं और अपने अपने कानून का जो है अपने अपने संविधान का निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य डेटे हैं या मुख्य जो है तारीखें हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली है। तो ये हम लोगों को याद करना है, इस टाइप से एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से सही हो सकता है, पूछा जाता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको घटना चक्र में हूँ, लक्ष्मीकांत में, वो इसको आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा संविधान बन जाता है, तो अब हम देख लेते हैं हमने कैसा संविधान बनाया। आप जान रहे हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः भारत में लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः भारत में लागू हो जाता है। तो हम देख लेते हैं आखिर इसकी क्या विशेषताएं थी। तो संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आप सब लोग जानते हैं, संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब किसी देश की राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या हर चीज़ को चलाना होता है, अच्छी तरीके से चलाना होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर नियम कानून की किताबों की ज़रूरत होती है, उसी के लिए हम लोग संविधान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और वो भी कैसा है, लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान क्यों हो जाता है, इसके कई कारण हैं, आप लोग जानते हो। उसमें से जो पहला कारण ये है कि भारत का संविधान चूँकि कई जगह से लिया गया है, भारत के संविधान के जो कई प्रोविज़न है वो कई जगह से लिए गए हैं, जैसे कुछ प्रोविज़न अमेरिका से लिए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हम लोगों ने फ्रांस से लिए, कुछ जर्मनी से लिए, कुछ रसिया से लिए, अलग अलग जगह से हमने संविधान के प्रोविजन्स लिए। इस वजह से हमारा संविधान कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। चूँकि भारत के संविधान में अलग अलग जगह से बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं, इसलिए संविधान
जो है हमारा बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब भारत का संविधान लिखित है, लिखित होने का तात्पर्य यह है कि भारत की अलग अलग व्यवस्थाओं को हम लोगों ने एक ही किताब में कोडिफाई किया है। वही चीज़ यदि हम लोग ब्रिटेन की बात करें, वहाँ का संविधान कैसा है, जो है अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हर एक विभाग का, हर एक जो है अलग अलग बॉडी का अलग अलग संविधान होगा, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टेट का वही संविधान है, वही केंद्र का संविधान है, वही जो है पंचायतों के लिए संविधान है, मतलब सबके लिए संविधान एक ही है। तो इस बात को याद रखना है। तो क्या है, एक तो लार्जेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। दूसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक संविधान। अब अमेरिका में जब आप बात करेंगे तो अमेरिका में क्या होता है, वहां पे जो स्टेट होते हैं उनका एक अलग संविधान होता है, साथ में ही जो आपके केंद्र है उसका एक अलग संविधान है। इसका मतलब केंद्र और राज्य का यहाँ पे अलग अलग संविधान होता है, कहाँ पे, अमेरिका में। परंतु भारत में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे है। अब भारत का संविधान बहुत अच्छा है इस सेंस में, क्योंकि भारत का संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड का मतलब ये हो गया कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप कभी नहीं बदल सकते हो, मतलब कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो, कभी भी उनमें संशोधन नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब भारत में लोकतंत्र ही है, तो लोकतंत्र चलेगा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं आ सकता है, कोई व्यक्ति आए, कोई राजा आए, कोई प्रधानमंत्री ऐसा आए और बोले नहीं यहाँ पे लोकतंत्र नहीं चलेगा बल्कि राजतंत्र चलेगा या फिर राजा का शासन चलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ में हमारे संविधान में क्या है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि हम अपने संविधान को बदल सकते हैं। संविधान को बदलने का तात्पर्य यहाँ पे इस बात से है कि क्योंकि समय के हिसाब से ज़रूरतें हमारी बदलती रहती हैं, मान लेते हैं 1945 या 1950 की कुछ अलग ज़रूरतें थी हमारी और आज की ज़रूरतें कुछ अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, समय के साथ इंसान बदलता है, इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं, इसी हिसाब से नियम कानून भी बदलते हैं। इसलिए भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होने से क्या कर सकते हैं हम लोग, संविधान में जो है समय के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं जो समय की ज़रूरत है। इसीलिए संविधान, आप यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान, भारत का संविधान कैसा है, तो आप बताएंगे रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा कठोर भी है और नम्य भी है। साथ में भारत के संविधान में फेडरल व्यवस्था की बात की गई। फेडरल व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। यहाँ पे केंद्र भी है और राज्य भी है और एक दूसरे के बीच में संबंध भी है, और जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देख लेना है, ये फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ पे है। साथ ही साथ में भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे शासन कैसे चलेगा, पार्लियामेंट के रूप में चलेगा, पार्लियामेंट देश का शासन चलाएगी। तो अब चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक खासियत होती है कि जो यहाँ के मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या जो यहाँ के लोग हैं, किसके, पार्लियामेंट के, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ये अपने सदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है। तो भारत के संविधान के जो कुछ फीचर्स ये थे, और इसके बड़ा होने के कारण जो है ये है, आप चूँकि आप देख रहे होंगे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो क्या क्या है। पहली बात तो ये सेंटर और स्टेट का एक ही संविधान है, इसीलिए बड़ा हो जाता है। दूसरा, इसी संविधान में क्या किया हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट की भी यही बात की गई है। यहीं पे हम लोगों ने क्या की, DPSP की भी हम लोगों ने बात की, मतलब DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इसे बोले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही बात की गई। आपातकाल संबंधी जो उपबंध है, आपातकाल मतलब इमरजेंसी संबंधित प्रोविजन है, वो भी यहीं पर रखे गए हैं। साथ में आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत के प्रोविजन भी कहाँ पर रखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखे गए हैं। साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि
सरकारें किस तरीके से वित्तीय संबंध रखेंगी, केंद्र और राज्य किस तरीके से वित्तीय संबंध रखेंगे, किस तरीके से जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक संबंध रखेंगे, इन सब की भी बात यहीं पे की गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज कैसी होंगी वो यहाँ पे बात की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे काम करेंगी, कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी वो भी यहीं बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ की गई है, हाई कोर्ट की बात की गई है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारा भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है फीचर्स हैं या फिर महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं जिसके कारण भारत का संविधान बड़ा हो जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य जो है विशेषताएं हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप जो है क्या कर सकते हैं, घटना चक्र या लक्ष्मीकांत से आप सॉल्व कीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बेसिक आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। तो अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद क्या हुआ, अब हम लोगों ने एक प्रियम्बल बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हम क्यों बनाते हैं, आखिर हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन। ये क्या है, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान के बारे में बताने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पे कुछ शब्दों में ही ये बात बता देंगे कि आखिर हमारा संविधान का नेचर क्या है या हमारा देश किस प्रकार से काम करने वाला है, हमारा संविधान किस तरीके से काम करने वाला है। ये हम लोग संविधान की प्रस्तावना में हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। संविधान का प्रस्तावना कहाँ से आई, इस बात को याद रखना है। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव, हिंदी में नाम इसका क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के जो है का ही नाम जो है दूसरा नाम क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है। तो आप बता देंगे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है या उसी का दूसरा वर्जन जो है वो क्या है, आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे वोटिंग हुई जिस प्रकार से संविधान में हुई थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी है। इस पे भी कुछ विवाद है, वो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान, भारत की प्रस्तावना में क्या, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पहली लाइन स्टार्ट होती है वो किससे होती है, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का तात्पर्य यहाँ क्या होता है, ये एक प्रकार से पावर बताता है, एक प्रकार की शक्ति बताता है कि भारत की शक्ति जो है वो किस में निहित है, यहाँ के लोगों में निहित है। तो इस बात को याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, यहाँ के लोग महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे और कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ के लोगों से। क्यों, क्योंकि भारत का संविधान भी किसने बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है, इसलिए यहाँ पे भारत के लोग जो है वो सर्वोपरि हैं। भारत में इसीलिए कहा जाता है कि लोकप्रिय संप्रभुता है। उसके बाद क्या है दूसरा, अब आप आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे प्रियम्बल को, तो लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू इंडिया इनटू सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इन पांच शब्दों का मतलब समझना है, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की संकल्पित होते हैं। मतलब हमें क्या करना है, अपने देश को पहला क्या करना है, आपका सॉवरेन बनाना है। सॉवरेन का मतलब संप्रभु बनाना है। संप्रभु का मतलब ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके नीति निर्धारण में किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरी संस्था का, किसी दूसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, ऐसी स्थिति को बोलते हैं संप्रभुता। तो भारत क्या है, आप जानते हैं भारत एक संप्रभु देश है, अर्थात ये है कि भारत अपनी नीति निर्धारण खुद करता है, वो किसी दूसरे देशों पर या किसी दूसरी संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहता है, या फिर दूसरी जो संस्थाएं हैं या दूसरे देश जो हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, भारत को उसकी नीति निर्धारण में या नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं या कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारत बाहरी रूप से भी संप्रभु है और आंतरिक रूप से भी संप्रभु है। बाहरी रूप से कैसे संप्रभु है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि भारत किसी भी
दूसरे देश के लिए बात नहीं है कि वो उसकी बात माने या ना माने, यह अपने हिसाब से अपना नीति निर्माण का कार्य करेगा। आंतरिक रूप से किस प्रकार से संप्रभु है? आंतरिक रूप से भारत के लोग संप्रभु हैं, मतलब हम भारत के लोग जो आपने लिखा हुआ है तो वहाँ पे यहाँ के लोग संप्रभु हैं यहाँ के नियम कानून बनाने के लिए। और चूंकि भारत का संविधान यहाँ के लोगों ने बनाया तो अपने आप भारत के लोग क्या हो जाते हैं? यहाँ संप्रभु हो जाते हैं। तो याद रखना, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से दोनों रूप से जो है संप्रभु है, तो आप बता देंगे हाँ भारतीय संविधान दोनों रूप से संप्रभु है। अब जो है हम लोग बात करते हैं भारत का जो है भारत देश कैसा है, संप्रभु है। उसके बाद हम देखते हैं भारत को कैसा बनाना है, हमें संप्रभु बनाना है, साथ में कैसा करना है, समाजवादी बनाना है। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब होता है कि भारत के जो संसाधन होंगे, भारत देश के जो पूरे संसाधन होंगे, वो यहाँ की सरकारों के हाथ में होंगे। किसके हाथ में होंगे? सरकारों के हाथ में होंगे। और सरकार संसाधनों का क्या करेगी? वितरण करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? समतामूलक वितरण करेगी, समतामूलक वितरण करेगी, जिसको जितनी ज़रूरत है और साथ में जिसने जितना योगदान दिया है उस पर उसके आधार पर यह वितरण होगा। समतामूलक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अब देखिए समाजवादी के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे देश को कैसा बनाना है, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने की बात की गई है। तो पंथ निरपेक्षता शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब देखिए दो जगह अलग अलग होता है। यदि वेस्टर्न कंट्री की बात करें हम लोग, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो अलग मतलब होता है, और साथ में यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो इसमें अलग है। वेस्टर्न कंट्री में जो है पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है धर्म एक जगह पे होगा, मतलब धर्म बिल्कुल अलग होगा किससे? आपकी स्टेट से। स्टेट का मतलब राज्य से। ये दोनों अलग अलग हैं, धर्म अलग राज्य अलग। इंडिया के केस में क्या है, धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। मतलब कुछ प्रोविजन धर्म के, जो राज्य के प्रोविजन जो है धर्म को रेगुलेट कर रहे होंगे, कुछ नियंत्रण कर रहे होंगे। ये दोनों में जो है डिफरेंस है। तो भारत का जो लोक, भारत का जो पंथ निरपेक्षता है वो दुनिया में एक अलग तरीके की पंथ निरपेक्षता है। इसमें क्या है कि भारत का जो है स्टैंड जो रिलीजन को लेके है वो क्या है कि भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यदि कोई आपसे पूछे कि भारत का ऑफिशियल रिलीजन क्या है तो आप बता देंगे कोई भी नहीं है। साथ में भारत किसी भी धर्म को जो है कमतर नहीं आंकता। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि देखता है, सर्वधर्म संभव की भावना से सभी धर्मों को देखता है, मतलब सभी धर्म के लिए बराबर रिस्पेक्ट है। साथ ही साथ अब यदि कोई धर्म के नाम पे कोई गलत काम करे, बुरा काम करे, जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़े या फिर हेल्थ बिगड़े या फिर जो है नैतिकता के आधार पे गलत हो, तो ऐसी स्थिति में धर्म का विरोध भी कर सकती है कौन, हमारी सरकारें। क्यों? क्योंकि हमारा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी पंथ निरपेक्षता अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ना तो हमारा देश या हमारा राज्य धर्म के प्रति उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है, ना ही वो एग्रेसिव है। इसका मतलब, एग्रेसिव का मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है। जैसे पाकिस्तान क्या मानता है, वो इस्लाम धर्म को मानता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है, तो वो पाकिस्तान उसका ऑफिशियल रिलीजन है। इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन कुछ नहीं है। साथ ही धर्म के मामले में भारत चुप भी नहीं रहता है। यदि धर्म के मामले में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके लिए उस हिसाब से जो है रोका जा सकता है कि आप धर्म के नाम पे मनमानी नहीं कर सकते हो। तो ये पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, और कई धर्म के लोग रहने की वजह से भारत में सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए, भारत में जो स्थिति है वो सौहार्दपूर्ण रहे, भाईचारा बना रहे, इसीलिए हमारे देश को पंथ निरपेक्ष राज्य होने की जरूरत होती है। इसीलिए इसको हम लोगों ने प्रीएम्बल में डाला है। भारत को कैसा बनाना है? हमें भारत को बनाना है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको लोकतांत्रिक बनाना है। आपके देश में कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, जो कि अभी हमारे यहाँ पे है। कैसा लोकतंत्र है? हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य ये होता है कि आप अपने चुने गए प्रतिनिधि जो है एक जगह भेज देते हैं। एक जगह का मतलब कहाँ? संसद में भेज देते हैं या फिर आप विधानसभाओं में भेज देते हैं, और वो आपके लिए नियम कानून बनाने का कार्य करते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र की अवधारणा कहते हैं। तो भारत में कैसा है?
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहीं पर यदि आप स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो वहाँ कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आपको याद रखना है भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। साथ में ही भारत को कैसा बनाना है? भारत को बनाना है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश या एक ऐसा राष्ट्र जहां पर जिसका मुखिया हो वो कैसा हो? चुना हुआ होना चाहिए। मतलब देश का मुखिया चुना हुआ होना चाहिए। तो भारत का मुखिया कौन होता है? आप जानते हैं राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? चुना हुआ होता है। बस इस बात का याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का तात्पर्य यह है कि इस चुनाव में डायरेक्ट यहाँ के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पूरी जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि यहाँ के जो हमारे चुने हुए प्रत्याशी हैं, जैसे MLA हो गए, MP हो गए, जो चुने हुए हैं वही लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, चुनाव में वोट करते हैं। इसीलिए भारत में कैसा है? भारत कैसा? एक रिपब्लिक कंट्री है। मतलब जहाँ की जहाँ का मुखिया है वो कैसा होना चाहिए? चुना हुआ होना चाहिए। अब देखिए भारत को और क्या क्या करना है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में और क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हमें जस्टिस देना है, न्याय देना है। न्याय कैसा कैसा देना है? सामाजिक देना है, आर्थिक देना है और राजनीतिक देना है। मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इस सीक्वेंस को याद रखना है आपको। एक तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों प्रकार के हमें क्या देना है? जस्टिस देना है। उसके बाद एक चीज को और याद रखना है, जो कि अभी मैंने बताया कि भारत की विशेषता कैसे, आपका देश कैसा होना चाहिए? सोवरन होना चाहिए, मतलब संप्रभु होना चाहिए। तो पहला शब्द याद रखना है कि संप्रभु है, दूसरा समाजवादी है, तीसरा आपका पंथ निरपेक्ष है, चौथा लोकतांत्रिक है और पांचवा गणराज्य है। तो इन पांचों जो शब्दों की जो है पूरी की पूरी सीक्वेंस याद रखना है कि किस सीक्वेंस में लिखा गया है। ये इसको UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और साथ में ही PCS भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना में और क्या लिखा है? आपके संविधान में क्या करना है? लिबर्टी देना है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता देना है। किसकी? विचारों की स्वतंत्रता होना चाहिए यहाँ पे, आपकी मान्यताओं की स्वतंत्रता होना चाहिए, पूजा की स्वतंत्रता होना चाहिए, यहाँ पे लिबर्टी होना चाहिए। साथ ही हमें इक्वालिटी देना है यहाँ पे। इक्वालिटी किस चीज़ की? इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस की। यहाँ पे राजा महाराजाओं वाला काम नहीं चलेगा कि कोई महाराज धीराज कुछ ऐसे करके नहीं चलेगा। यहाँ पे सभी लोग बराबर स्टेटस रखने की जो है हम बात करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सभी के लिए बराबर मौका मिले, ऐसी बात हम लोग कहाँ करते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बात की जाती है। साथ ही साथ हमें क्या करना है? फ्रेटर्निटी करना है। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। अपने देश में भाईचारा क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आप जानते हो हमारा देश कैसा है, विविधता भरा देश है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस वजह से हमें कोशिश करना है कि भारत देश को अखंड राष्ट्र बनाने की कोशिश करना है। अखंड राष्ट्र बनाने से क्या होगा कि आपका देश जो है एक मजबूत राष्ट्र बनेगा और भारत एक होकर अपनी प्रगति के रास्ते को तय कर पाएगा। तो अब भारत को कैसा करना है? देखिए इसमें पहले एक शब्द था यूनिटी और एक और शब्द जोड़ा गया बाद में, इंटीग्रिटी। तो भारत को कैसा करना है? यूनाइट करना है और इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जिसको हम कभी तोड़ ना सकें, हिंदी में बोलते हैं जिसको कभी खंडित ना किया जा सके उसे अखंड बोला जाता है। ठीक है, तो भारत को कैसा बनाना है? एकता जो है वाला देश बनाना है, अखंडता वाला देश बनाना है। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ गई एकता और अखंडता की, इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। देखिए एकता जो है वो क्या हो सकता है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कई जगह एक जगह पे 10-50 लोग एक साथ हो गए तो वो एकता होगी। अब वो क्या कर सकते हैं? बस को तोड़ भी सकते हैं, कुछ सामाजिक अच्छा काम भी कर सकते हैं। यदि वो गलत काम करते हैं तो ऐसी एकता देश के लिए खतरनाक है, और यदि वो अच्छा काम करते हैं तो ये काम जो है कैसा है? सकारात्मक है। इसीलिए हम लोगों ने एक शब्द जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में, इंटीग्रिटी, जिसका मतलब होता है कि हमें संविधान को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, अखंड बनाना है, जिसका कभी जो है खंडन ना किया जा सके। इसके बाद में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? हम लोगों ने लिखा हुआ है कि लास्ट जो है जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट याद रखना है, हेयर अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कहती है कि ये संविधान हम खुद को ही देते हैं, किसको देते हैं, आत्मार्पित करते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पे ही लागू होगा। और ये कब बात की जाती है, कौन सी डेट इसमें मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बता देंगे 26 नवंबर, 26 जनवरी नहीं है, याद रखिए 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है, हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 के लिए पूरे देश में भारत का संविधान लागू हो जाता है। अब हम लोग इस प्रीएम्बल से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। अब क्वेश्चन होता है क्या प्रीएम्बल में हम संशोधन कर सकते हैं, तो आप बताएंगे हाँ प्रीएम्बल में संशोधन कर सकते हैं। अब पूछा जाएगा सवाल कितनी बार आप इसमें संशोधन हो चुका है अभी तक, तो आप बताएंगे एक बार इसमें संशोधन हो चुका है, वो भी कब हुआ, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के रूप में एक संविधान संशोधन इसमें हो प्रीएम्बल में संशोधन हो चुका है। प्रीएम्बल में क्या क्या जोड़ा गया संशोधन के बाद ये याद रखना है, तो इसमें तीन वर्ड जोड़े वो बिल्कुल याद रखना है अच्छे से गांठ बांध के। एक तो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। उसके बाद यहां पे जोड़ा गया सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, कौन सा सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। और उसके बाद एक वर्ड जोड़ा गया इंटीग्रिटी जोड़ा गया, मतलब अखंडता जोड़ा गया। तो ये तीनों शब्दों को याद रखना है, सेकुलर, सोशलिस्ट और अखंडता, सॉरी अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, ये तीन शब्द इसमें हमने कब जोड़े, आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, इस बात को अच्छे से लिख लेना है दिमाग में। उसके बाद अब बात आती है कि क्या संविधान का पार्ट ये है कि नहीं, तो हाँ संविधान का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कब बोला गया, ये कई केसेस में इसमें वाद विवाद चलता रहा, तो उस वाद विवाद को हम लोग एक स्लाइड में देख लेते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहला 1950 का बेरुबारी केस लिखा, 1960 का सॉरी बेरुबारी केस लिखा हुआ है। 1960 के केस में क्या कहा गया कि जो प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें बोला गया कि संविधान को अलग टाइम पे पास किया गया और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है संविधान को अलग पास किया और प्रीएम्बल को अलग पास किया है, इसीलिए पार्ट नहीं है। बट क्या होता है, केशवानंद भारती केस में क्या कहा जाता है कि हाँ ये संविधान का पार्ट है और इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है। याद रखना क्या क्या बोला गया कि ये संविधान का पार्ट है, साथ में इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये संविधान का पार्ट है। साथ में LIC ऑफ इंडिया केस में भी क्या बोला गया कि हाँ ये संविधान का पार्ट है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से केसेस में प्रीएम्बल को संविधान का पार्ट बताया, तो आप बताएंगे कि केशवानंद भारती केस में और LIC वाले केस में, दोनों में क्या कहा गया कि प्रीएम्बल संविधान का भाग है। और बेरुबारी केस में क्या कहा गया कि संविधान जो का प्रीएम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। अब संविधान की प्रीएम्बल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान का जो प्रीएम्बल है, संविधान की जो उद्देशिका है, वो क्या नहीं है, वाद योग नहीं है। वाद योग का मतलब होता है जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट में। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन हो रहा है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो कि भैया जो है संविधान का उल्लंघन हो रहा है या संविधान के प्रीएम्बल का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, हम संविधान की जब फंडामेंटल राइट जो है, यदि फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहे होते हैं, जब उनका उल्लंघन हो रहा होता है, तो वो हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट प्रीएम्बल जो है कैसा है, वो वाद्य योग्य नहीं है न्यायालय में, इस बात को अच्छे से याद कर लेना है। तो ये हमारे प्रीएम्बल से संबंधित कुछ जो है डिस्कशन था, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे।